नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज मोटर भीम हिंदी पर। हम चला रहे हैं हीरो की एक्सट्रीम 200R, जो एक बहुत ही बेहतरीन कम्यूटर मोटरसाइकिल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार अच्छाइयां और चार बुराइयां इस मोटरसाइकिल की। हालांकि ये एक 200 सीसी मोटरसाइकिल है, इसकी माइलेज बहुत ही बेहतरीन है, 200 सीसी में सबसे बेस्ट है और इसकी माइलेज लगभग 150 सीसी मोटरसाइकिल जितनी है। एक्सट्रीम 200R एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, चाहे आपका कद कम हो या ज़्यादा हो, इसके एर्गोनॉमिक्स आपको सूट करेंगे और इसका जो कंफर्ट है और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। ख़राब रोड्स पे भी आराम से चलती है ये मोटरसाइकिल। और एक्सट्रीम 200R की सबसे अच्छी बात यह है कि एक हीरो मोटरसाइकिल है, जिसका मतलब यह है कि आपको इंडिया में कहीं भी सर्विस आसानी से मिल जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कोई बुराइयां इस मोटरसाइकिल की। सबसे बड़ी बुराई इसकी ये है कि इसका जो इंजन है वो 200 सीसी के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, स्पेशली लो एंड और टॉप एंड में ज़्यादा गति नहीं देती। हालांकि हीरो ने इस मोटरसाइकिल को ABS दिया है, वो सिर्फ फ्रंट टायर पर है, रियर टायर पर नहीं है, और अगर आप हैवी ब्रेकिंग करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किड होती है। हीरो ने इस मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है। आज के दिन सभी मोटरसाइकिल्स में ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल क्लस्टर आ रहा है, लेकिन इसमें अभी भी वो नहीं है। बहुत सारे फीचर्स भी मिसिंग हैं, क्वालिटी इतनी खास नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे वायर्स एक्सपोज्ड हैं और इसमें AC इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अगर आपके पास एक हीरो एक्सट्रीम 200R है या अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको खरीदने में, तो ज़रूर अपनी अच्छाइयां और बुराइयां हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मोटर भीम हिंदी।